प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस की जमकर आलोचना और बेइज्जती करने वाले उपेंद्र कुशवाहा की बीजेपी ने जमकर तारीफ की है। बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने दिल खोलकर उस नेता का स्वागत किया जिन्होंने हाल ही में पीएम मोदी को जुमलेबाज और बनावटी कहा था। लेकिन हैरानी की बात है कि जेडीयू में कुशवाहा के शामिल हो जाने को लेकर बीजेपी भी गदगद है और उनकी पार्टी के बड़े नेता बड़े दिल से कुशवाहा का स्वागत कर रहे हैं। गौरतलब हो कि लगभग ढाई साल पहले 10 दिसंबर 2018 तक रालोसपा एनडीए का हिस्सा थी, लेकिन इसी दिन पार्टी के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा देते हुए एनडीए से अलग होने का ऐलान कर दिया। कुशवाहा ने सेंट्रल मिनिस्टर के पद से इस्तीफा तो दिया, लेकिन उन्होंने आरएसएस मातृत्व वाली बीजेपी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो कहा वो काफी हैरान करने वाला था। दरअसल आप उस दौर को याद कीजिए जब कुशवाहा ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पीएम मोदी जुमलेबाज और बनावटी ओबीसी हैं। कुशवाहा यहीं नहीं रुके, उन्होंने पीएम मोदी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा था, मोदी से ओबीसी के लोग निराश हुए हैं, ओबीसी वर्ग ठगा हुआ महसूस कर रहा है। पीएम मोदी ने ओबीसी के कमजोर तबके के वर्गीकरण की बात कही थी, लेकिन उसे भी कमेटी बनाकर टाल दिया गया। बीजेपी ने भी हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। इस दौरान कुशवाहा ने न सिर्फ मोदी की आलोचना की बल्कि आरएसएस को भी आड़े हाथों लिया। आरएसएस को लेकर कुशवाहा ने कहा कि सब कुछ समझने के बाद मुझे लगता है कि आरएसएस के एजेंडे को लागू करने के लिए मुझे कैबिनेट में एक मिनट के लिए भी नहीं रुकना चाहिए, इसलिए मैंने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। पीएम मोदी बीजेपी और उनके मातृत्व संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बुरा भला कहने वाले कुशवाहा आज बिहार भाजपा की पसंद बन गए हैं। रविवार को उनकी पार्टी का जेडीयू में विलय हो जाने के बाद भाजपा भी गदगद है। बीजेपी के बड़े नेता और प्रदेश में डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बैठे तारकिशोर प्रसाद ने जेडीयू में कुशवाहा की धमाकेदार एंट्री पर कहा कि मैं उपेंद्र कुशवाहा को बधाई देता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं। जनता दल यूनाइटेड में रालोसपा के विलय से एनडीए मजबूत होगा। हम चाहते हैं बिहार में एनडीए एक बड़ी ताकत के रूप में उभरे, जिसमें बिहार के जितने भी सामाजिक वर्ग हैं, अलग अलग समुदाय हैं, अलग अलग सामाजिक वर्ग हैं, सभी की पूरी ताकत इस सरकार के साथ रहे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।